हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। और अभी ठंडियों की सीज़न स्टार्ट हो गई है, तो मैंने अभी थोड़ी थोड़ी वाटरिंग कर ली है मेरे प्लांट्स के अंदर। तो वाटरिंग की क्वांटिटी मैंने पहले से कम कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मौजूद रहने लगा है। मैं दोपहर के टाइम भी अपने प्लांट के देखने आता हूँ, तब मुझे मिट्टी के अंदर मॉइस्चर हल्का सा देखने को मिल जाता है। रात के टाइम भी थोड़ा हल्का सा मॉइस्चर देखने को मिल जाता है, और सुबह के टाइम जब मैं आता हूँ तब भी मिट्टी की ऊपर की सर्फेस थोड़ी ड्राई रहती है, लेकिन अंदर की सर्फेस में अच्छा खासा मॉइस्चर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से हमें प्लांट के अंदर वाटरिंग अभी थोड़ी कम कर लेनी है। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होती है, जैसे जैसे क्लाइमेट और ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे हमें इसके अंदर वाटरिंग कम कर देनी है। तो क्योंकि मिट्टी के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद हो, तब हमें ज़्यादा पानी प्लांट के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये तो वाटरिंग की तो टोटली मैं अलग वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्पेशली एक कमेंट के ऊपर है, जो ये कमेंट में मुझे पूछा गया है कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड या तो पेस्टिसाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड या तो पेस्टिसाइड में डिफरेंस फ्रेंड्स अंतर होता है उसके काम करने के तरीके से। यानी कि जो सेम इंसेक्ट और पेस्ट, वो दोनों फंगीसाइड या तो पेस्टिसाइड से मरने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं सिस्टमिक पेस्टिसाइड की बात कर लेता हूँ कि सिस्टमिक पेस्टिसाइड किस हिसाब से काम करता है। सिस्टमिक पेस्टिसाइड जनरली आपके प्लांट के पत्तों के अंदर चला जाता है, यानी कि प्लांट के पत्तों के सिस्टम के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कोई भी पेस्ट या तो फंगस आपके प्लांट के ऊपर जब भी अटैक करेगा और जैसे ही आपके प्लांट को डैमेज करने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा। जैसे ही वो खाएगा या तो डैमेज करने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पेस्टिसाइड आपके प्लांट के सिस्टम के अंदर चला गया है, पूरे सिस्टम के अंदर चला गया है। जैसे कहीं पे भी अगर वो प्लांट के लीव्स को अटैक करेगा, जैसे कि लीव्स के ऊपर उसने अटैक किया और लीव्स के पीछे उसने अटैक किया, या तो ब्रांचेस के ऊपर उसने अटैक किए, तो कहीं पे भी अगर वो अटैक करेगा तो वो मर जाएगा। तो ये हिसाब से वो सिस्टमिक पेस्टिसाइड या तो फंगीसाइड काम करता है। लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड या तो फंगीसाइड यूज़ करते हो, तो वो पर्टिकुलर रीजन पे ही वो पेस्ट अगर अटैक करता हो तभी वो मरेगा, अगर वो दूसरे एरियाज पे अटैक करेगा तो नहीं मरेगा। समझ लीजिए, अगर आपने पेस्टिसाइड अप्लाई किया है, ये कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड अगर आपने प्लांट के लीव्स के ऊपर अप्लाई किया है, अब प्लांट के लीव्स के ऊपर, जैसे कि ये जो मेरा कॉक्सकॉम का प्लांट है उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, अब ऊपर वाला सरफेस के ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड को अप्लाई कर दिया है, तो लीव्स के ऊपर की साइड वो सारे कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड की इफ़ेक्ट आ जाएगी, लेकिन लीव्स के पीछे की साइड नहीं आएगी, नीचे वाले ब्रांचेज होंगे वहाँ पर भी नहीं आएगी। तो जो भी इंसेक्ट मेरे लीव्स के ऊपर की साइड बैठेंगे वो मर जाएंगे, लेकिन अगर इंसेक्ट नीचे की साइड बैठे होंगे तो वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड नहीं लगा है। तो कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड जनरली प्लांट के लीव्स के ऊपर ही काम करता है, वो सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता, लीव्स के ऊपर चिपका रहता है, जिसकी वजह से अगर वो एरिया पे कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा तो बाद में वो मर जाएगा। तो जनरली कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड उन इंसेक्ट्स पे स्प्रे किया जाता है जो पत्ते को चबाते हैं, पत्ते को खाते रहते हैं। जनरली उसमें सबसे डेंजरस है कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स जनरली आपके पत्ते के ऊपर बैठ जाते हैं और पत्ते को धीरे 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 करके चबाना स्टार्ट करते हैं, खाते रहते हैं। और ऐसे इंसेक्ट्स के ऊपर अगर आप कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड अप्लाई करोगे तो बाद में आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो आपको दिखते भी नहीं हैं, जो आपको सिर्फ लीव्स के ऊपर ही लीव्स के ऊपर आपको कुछ इंडिकेशन दिखते हैं, उसके ऊपर से ही आप अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि मैं रोज़ प्लांट की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, रोज़ प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स लगते हैं जो आपको एकदम आसानी से दिखते नहीं है, लेकिन जैसे कि ब्राउन स्पॉट्स आपको दिखते हैं, रेड स्पॉट्स दिखते हैं, तो वो स्पाइडर माइट्स होते हैं या तो ट्राइप्स होते हैं। ऐसी सब बीमारियों के लिए हमें सिस्टेमिक फंगीसाइड या तो पेस्टिसाइड का ही एप्लीकेशन करना है, क्योंकि वो टोटली आपके प्लांट के लीव्स के सिस्टम के अंदर चले जाएंगे और ये जो पेस्ट है आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर, लीव्स के नीचे, साथ में आपके प्लांट के ब्रांचेस के ऊपर कहीं पर भी लगे हुए होते हैं जो आपको पता भी नहीं रहता। तो अगर आप वो पेस्टिसाइड अपने प्लांट के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे ब्रांचेस वगैरह पे, तो बाद में वो टोटली आपके प्लांट के सिस्टम के अंदर चला जाएगा, जितनी भी ब्रांचेस हुई, जितने भी लीव्स हुए उसके अंदर टोटली फैल जाएगा, तो वो पेस्ट कहीं पे भी हो वो मर जाएगा। तो यही दो मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट के बीच में, लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं। जो इंसेक्ट्स को किल करना है तो दोनों इंसेक्ट को किल करेंगे, लेकिन जनरली मैं कौन सा यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। मैं सिस्टमिक ही यूज़ करता हूँ, मैंने आज तक कॉन्टैक्ट नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैं कोई भी एक ही पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ। अगर मैं रोगौर यूज़ करता हूँ तो मैं सिर्फ रोगौर ही यूज़ करता हूँ, साथ में मैं नीम ऑयल यूज़ करता हूँ, क्योंकि नीम ऑयल और रोगौर का स्प्रे मेरे प्लांट्स के लिए अभी इनफ है। उससे अलग मुझे कोई भी पेस्टिसाइड अभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है।
तो बीच में कैटरपिलर्स का भी अटैक मेरे लेमन प्लांट पे हुआ था। लेमन प्लांट पे बहुत सारे कैटरपिलर्स लगे थे जो मेरे प्लांट की लीव्स को चबाते रहते थे, तो तभी भी मैंने सिस्टेमिक पेस्टिसाइड ही अप्लाई किया था और वो चले गए थे। तो उसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड ही यूज़ करें या तो सिस्टेमिक पेस्टिसाइड ही यूज़ करें, आप कोई भी पेस्टिसाइड या तो फंगीसाइड यूज़ करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मतलब मैं काम करने का दोनों का तरीका थोड़ा अलग है, और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स सिस्टेमिक पेस्टिसाइड का काम करने का तरीका कॉन्टैक्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो टोटली आपके प्लांट के सिस्टम के अंदर चला जाएगा और कहीं पर भी जो पेस्ट लगे होंगे वो उसको वहाँ से ही मार देगा। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि सिस्टेमिक पेस्टिसाइड या तो फंगीसाइड ही सिलेक्ट करें, कॉन्टैक्ट को अभी आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई भी ऐसा पेस्ट जो है जो आपको दिखता हो, जो बड़ा वाला पेस्ट है जैसे कि कैटरपिलर्स जैसे पेस्ट आपको दिखेंगे आपके लीव्स के ऊपर बैठे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तभी जाके आप दुकानदार से बोलिए कि भाई हमें कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड ही चाहिए, तो बाद में वो देगा। उसका डोजेज भी सेम रहता है फ्रेंड्स। आप सिस्टेमिक पेस्टिसाइड या तो फंगीसाइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में ले सकते हैं, या तो 2 ml 1 लीटर पानी में ले सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट को भी 2 ग्राम या तो 2 ml 1 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। तो डोजेज भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स का आपको आइडिया आ गई होगी कि सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड और फंगीसाइड में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।